नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मऊ में अचानक होटल पर बड़ी छापेमारी की गई। और दोस्तों बता दें कि होटल में यहां पर चल रहा था देह व्यापार का बहुत ही गलत धंधा। दोस्तों बता दें यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान यहाँ पर कई जोड़े अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। आप सभी चीज़ समझ रहे हैं, जिसम फिरोसी का अड्डा था राधा कृष्ण होटल, चलता था यहां पर सेक्स रैकेट। जी हां साथियों, बता दें मऊ में आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल को सीज कर दिया है। रोडवेज स्थित राधा कृष्णा होटल संदिग्ध गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में आया था। छापेमारी के दौरान यहां पर कई जोड़े अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। अश्लील कृत्य की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने राधा कृष्णा होटल में 2 बार छापेमारी की थी। दोनों बार हुई छापेमारी में कई जोड़े अश्लील हरकत करते पाए गए थे। पुलिस ने राधा कृष्णा होटल में संदिग्ध गतिविधियों का मामला जिला अधिकारी के सामने उठाया था। होटल के खिलाफ जांच बिठा दी गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी। जिला अधिकारी का आदेश मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। आखिरकार रोडवेज स्थित राधा कृष्णा होटल को सील कर दिया गया है। दोस्तों बता दें कि राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राधा कृष्णा होटल जिसम फिरोसी का अड्डा बन चुका था। होटल के खिलाफ पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। होटल का संचालन सुरक्षा नियमों को धत्ता बताते हुए किया जा रहा है। लाइसेंस का भी नवीनीकरण नहीं किया गया था। अग्निशमन विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं ली गई थी, इसलिए होटल पर गाजगिरी। गौरतलब है कि मऊ जनपद में सेक्स रैकेट का धंधा काफी तेजी से पांव पसार रहा है। और दोस्तों ये स्पेशल मऊ की ही बात नहीं है, भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दोस्तों इस प्रकार से होटल गलत गतिविधियों में लिप्त हैं। दोस्तों ऐसे होटल संचालकों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी युवक और युवतियों तक पहुँचें और वो अलर्ट हों और सावधान हों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।